दर्शकों में इतने सारे लोगों को देख के एक मेरे लिए आश्चर्य की बात, सुखद आश्चर्य की बात है कि ये कहानी नहीं पुरानी जैसे विषय पे इतने लोगों को देखना, वो भी उस समय जब मालिनी अवस्थी जी बगल में गा रही हो, तो इसका मतलब है कि कहानी कभी पुरानी नहीं हो सकती। और शकील आजमी जी जैसा शायर भी हमारे बीच मौजूद है, बहुत सारे तो बंजा गली बनारस की जैसे गीतों को आपने सुना होगा, इस तरह के गीतों को रच के शकील आजमी साहब की अपनी मंच की भी शान है और फिल्मी दुनिया की भी शान है। मैं शैलेंद्र सागर जी, रजनी गुप्त जी और चंद्रशेखर वर्मा जी के माध्यम से मैं कहूँगा कि एक तरह से साहित्य के कथा जगत की लगभग तीन पीढ़ियों को मैं एक तरह से एक मंच पर उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे हम। मेरा सवाल शैलेंद्र जी से है, चूंकि साहित्य की सेवा किसी पुलिस अफसर के रूप में नहीं बल्कि साहित्य सेवी के रूप में उन्होंने साहित्य को जितना बढ़ाने की कोशिश की है वह अपने आप में बड़ी बात है। कथाक्रम पत्रिका के माध्यम से न केवल वो रचनाकारों को जगह देते हैं बल्कि एक बड़ा सम्मान भी देते रहे हैं। खुद बहुत सारी कथाओं के और रचनाओं के लेखक रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि ये जो कहानी तत्व है, जो हजारों साल से मैं कह सकता हूँ या जब से मानव सभ्यता जन्मी, कहा जाता है कि हमारे वेद भी कहानियाँ सुनाने के दौरान मतलब गीतों की शक्ल में ही जो बातें कही गई वही संकलित हुई और बाद में वेद के रूप में हुई। हमारे पूर्वजों ने किस्से कहानियाँ सुनाने की जो परंपरा डाली, मुझे लगता नहीं कि यहाँ कोई भी ऐसा होगा जिसने कहानी जीवन में नहीं सुनी हो। ये कहानी तत्व के अंदर ऐसा क्या है कि वह काल क्रम से भी परे चली जाती है? सबसे पहले धन्यवाद आज तक के लिए, इस निमंत्रण के लिए। जैसा कि आपने कहा, जो विषय भी है कि कहानी जो है पुरानी नहीं है, तो ये बात तो सही है कि जो साहित्य है उसका मुख्य सरोकार मनुष्य और मनुष्यता से है, और मनुष्य और मनुष्यता कभी पुरानी चीज नहीं होती, वो हमेशा ताजी ही रहती है। क्योंकि अगर इस समाज से, इस विधान से या हमारे अस्तित्व से मनुष्य और मनुष्यता खत्म हो जाए तब तो कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी पुरानी नहीं होती, कहानी पुरानी भी होती है। और अगर हिंदी पर ही हम बात करें और विश्व कहानी के बारे में कोई विचार ना करें, हिंदी कहानी करीब करीब 125 साल पुरानी है। इस 125 साल में भी कहानी ने बड़ी लंबी एक यात्रा तय की है। हमारी शुरुआत कहानी की, और जब मैं कहानी कह रहा हूँ उसमें कुछ उपन्यास को भी मैं शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत में हमारे हिंदी में ख़ास तौर से उपन्यास पर ही ज़्यादा लोगों का ध्यान था। तो एक अय्यारी का के उपन्यास आप लोगों ने उसके सीरियल भी देखे हैं, देवकी नंदन खत्री के भूतनाथ संतति, उससे वो कहानी शुरू हुई। और उसके बाद फिर वो प्रेमचंद, तो उसके उसी दौर में कुछ सामाजिक बुराइयों पर भी कहानियाँ लिखी गईं, स्त्री शिक्षा के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर। और उसके बाद प्रेमचंद ने गांव समाज उसकी कहानियाँ लिखी। धीरे धीरे कहानी फिर एक मनोवैज्ञानिक दौर में आई, जब जैनेन्द्र कुमार ने, इलाचंद जोशी अज्ञे ने कहानियाँ लिखी। और उसके बाद आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद नई कहानी शुरू हुई। हमारे कुछ लोगों ने नई कहानी कहकर एक गुट बनाया, और उसमें नयापन क्या था? उसमें नयापन था उसकी भाषा, उसका शिल्प और उसका विषय। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि कहानी का जो कहानीपन है वो कभी पुराना नहीं होगा, और जब भी कहानी का कहानीपन पुराना होगा, कहानी विधा उससे धीरे धीरे मरने लगेगी। क्या बात! तो इसलिए कहानी में कहानीपन बना रहना चाहिए। और आजकल कुछ प्रयोग इस तरह के किए जा रहे हैं हिंदी में भी,
जब कुछ नए तरह के शिल्प के साथ में कहानी लिखी जा रही है और उससे कहीं कहीं हमारी जो कहानी के कहानीपन है उसको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये जो विषय है कि कहानी कभी पुरानी नहीं होती, उसके जो विभिन्न एस्पेक्ट हैं वो यही हैं कि नंबर एक कि वो मनुष्यता की कहानी है और उसके अंदर लोगों को कुछ देने की कुछ शिक्षा भी देती है, कुछ समाज का एक चित्र भी प्रस्तुत करती है और इसके साथ साथ वो एक मनोरंजन भी है, उसमें कहानी बन भी है। रजनी जी, मेरा सवाल आपसे है, आप लंबे समय से अध्यापन, कहानीपन और संपादन सभी से जुड़ी हैं, कथाक्रम के साथ भी आपका जुड़ाव रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो तत्व कहानी का है जिसकी बात आपने कही और उपन्यास, मैं मेरा आशय इस विषय से है कि कोई भी किस्सा किसी एक समय में राज कपूर जैसे फिल्मकार ने कहा था कि इस देश में भारत भूमि पर केवल एक ही कहानी है, एक राजा था जिसका नाम था राम, दूसरा पक्ष एक नायक था जिसका नाम था राम, एक खलनायक था जिसका नाम था रावण, उन दोनों के युद्ध की कहानी से बात खत्म होती है। सारी फिल्म इंडस्ट्री में यही तत्व है, नायक और खलनायक। आप इस विषय को, मेरा कहना यह है कि जो हमारी आज की पीढ़ी है और जो प्रेमचंद जी की समय की समस्याएं थी, अभी एक उपन्यास जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है, शिवमूर्ति जी का उपन्यास है, वो जब पढ़ते हैं हम तो किसान समाज हमारा उसी जगह पे खड़ा दिखता है और उसकी कहानियां भी, माध्यम भले ही बदल जाए, कहानियां भी उसी तरह की दिखती हैं। आप उस बात को, इस बिंदु को किस रूप में देख रहे हैं कि बतौर कहानीकार क्या चयन करते समय आपके पास समाज का जो बदलाव होता है, आप पुरातन तंतुओं को कैसे जोड़ते हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत ही रेलेवेंट है आज के दौर में। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी पन के अलावा जो सबसे बड़ी चीज हिंदी कहानी में है, जो आप कह रहे हैं कि नायक खलनायक के अलावा ये कुछ जो जीवन है, जो आज का जीवन है और जो पुराना जीवन है, हम जब दोनों को देखते हैं तो सबसे बड़ा फर्क आता है कि जो दिनों दिन बदलती हुई मानव संवेदना है, रिश्तों की बदलती हुई परिभाषाएं हैं और जीवन जितनी तेजी से, तेज गति से बदल रहा है, तो रिश्तों की जटिलताएं बदल रही हैं। तो आज हम नैतिक मूल्यों को जो प्रेमचंद के जमाने में थे कि हम एक नायक और खलनायक की रचना करके और अंत में नायक को जिता देते थे, तो ये समय इतना आसान नहीं है। आज बहुत जटिल और बहुत ही विसंगतियों पूर्ण, विषमता पूर्ण समय है और हमारे जो किरदार आज के हैं, जीते जागते जो किरदार हैं, उनके व्यक्तित्व के जो अंतर विरोध हैं, जो विरोधाभास हैं, और खासतौर पर नई पीढ़ी, आज हमारे सामने जो हजारों लाखों युवा वर्ग है और उनकी समस्याओं को जब हम देखते हैं, उनकी नौकरी की जुड़ी हुई समस्याओं को, और जो आज के जो बच्चे हैं, तो मेरे सामने साहित्य की भूमिका काफ़ी बड़े रूप में आकार लेती है। मुझे लगता है कि हमें पुराने समय के जो कहानीपन है उसके साथ साथ आज के समय के व्यक्तित्व के अंतर विरोधों के रेशे रेशे पकड़ के आज के सच को दिखाना एक साहित्यकार का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी दायित्व है। हम आज के समय से आंखें फेर के केवल नैतिक मूल्यों का संवहन करने वाले साहित्य का सृजन नहीं कर सकते। जहां तक ग्रामीण चेतना की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आज हमारे गांव और कस्बे प्रेमचंद के जमाने के गांव और कस्बों से बहुत अलग हैं। हम कल्पना में सोच सकते हैं कि अहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, लेकिन आज वो ग्राम्य जीवन अहा नहीं है। आज हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के घर में, घर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और हर एक के जीवन में चौतरफा संघर्ष और प्रतियोगिता बढ़ गई है। तो जो गांव है वो कस्बों में बदल रहे हैं, कस्बे छोटे शहरों में बदल रहे हैं और छोटे शहरों की संस्कृति महानगरीय संस्कृति से होड़ ले रही है। तो साहित्य के सामने ये चैलेंज है कि हमें बहुरंगी समय को, बहुरंगी किरदारों के साथ
ना केवल पकड़ना है बल्कि जीते जागते समय को अपने साहित्य के जरिए उकेरना है।